سلام عليكم سلام وعليكم سلام يا الله मेरे सलमान बेटे को अपने इत्तेज़ामान में रखना याल्ला वो सलमान बेटा किस हालात में होगा बाबा अब क्यों टेंशन ले रहे हो मेरी भाई की जिंदगी तुवा बादशाहों जैसी गुजर रही है सुखान बेटा तुझे क्या पता एक बाप की सारी खुशियां अलवाद की खुशियों में छुपे रहते हैं बाबा अल्लाह आपको सदा हमारे लिए सलामत रखे आमीन आमीन बड़ा क्या वजह है आज बहुत खुश लग रहे हो मैं हूँ बड़ा मैं इसलिए खुश हूँ कि बाबा मुझे आइसक्रीम खिलाता है ये बात है मेरा बेटा बहुत नादान है मेरी बेटी बहुत काबिल है और वो सारे कारोबार खुद संभाल सकती है ये तो ठीक है अंकल लेकिन भतीजा भी बेटे का मानेंद होता है बिल्कुल ठीक कह रहे हो तायर लेकिन कारोबार संभालना तुम्हारी बस की बात नहीं है आजमा के तो देखो अंकल बहुत पहले आजमा चुका हूँ तुमने अपने वालिद और मेरे भाई का सारा माल और जायदाद अयाशियों में उड़ा चुके हो पापा मरियम बेटा कहाँ जा रही हो मजदूरों की और स्टाफ की सैलरी देने जा रही हूँ ओके बेटा मेरी तरफ से सलमान को तनख्वाह के साथ 2000 रुपए भी देना है ओके पापा फी अमानिल्लाह रेजोल्यूशन मैं गाड़ी चलाऊंगा जब मैं बड़ा हो जाऊ तो मैं क्या करूंगा बाबा तुम फिक्र मत करो तुम मेरे साथ कंडक्टर होगे कंडक्टर बाबा बड़ाडा मेरे बारे में कुछ सोचा है या नहीं लाला तुम ऐसा करो कि एक जहाज खरीद लो हाँ फिर जहाज में सलमान लाला के पास जाएंगे हाँ इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे आज से मैं पैसे जमा करूंगा आपका पैसे पार्टी पर है मैं बाबा के लिए शादी करूंगा वो से खोल दूंगा
सलमान। मैडम आप और यहाँ? हाँ सलमान, मैं और यहाँ। अगर कोई काम होता तो आप फोन पर बता देती, इधर आने की तकलीफ क्यों की? आपके अच्छे अखलाकों की वजह से मेरे दिल में बहुत बड़ा मकाम है आपके लिए। मैडम आप खुद अच्छे लोग हो, इसलिए आपको सारे लोग अच्छे लगते हैं। लेकिन दिल में हर किसी को जगह नहीं दी जा सकती। एक गरीब नौकर के पास शुक्रिया के लिए वो अल्फाज नहीं है जो होने चाहिए। एक गरीब नौकर नहीं हो, एक अजीम इंसान हो मेरे लिए। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। नहीं, चुप करो बड़ाड़ा, चुप करो। अभी तो तुम बचा नहीं, जवान है, जवान जवान। या अल्लाह, लाख लाख शुक्र है कि मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ हाँ बेटी, तुम जवान हो, बस करो। तो फिर मेरी शादी कर लो ना। ये गाना लगाता है आज तुम से खुशी में गाने गा रहे हैं। सुखान बेटा, हमारा बेटा बहुत नादान है, ये दुनिया से बेखबर है। अबा ने बोला कि तुम बच्चा नहीं हो, जवान हूँ जवान, मैं शादी कर लूंगा। अकेला तुम नहीं बेटा, तुम सब शादी करोगे, देख लिया ना बड़ा ना, बड़ों के फैसले। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। ठीक है अभी तो तुम भी जवान हो, मगर अभी तो तुम नादान हो, अभी तो तुम नादान हो। अफसोस अफसोस अफसोस। यार हमें भी बताओ, आप किस चीज के अफसोस कर रहे हो? अंकल से जो भी बात करता है, कहते हैं मेरी बेटी अच्छा है, मेरे नौकर अच्छा है, सब कुछ संभालता है। अरे भाई थोड़ा अकल से काम लो, अंकल को नहीं अंकल की बेटी को फसाओ। बड़ा मुश्किल लगता है ये काम। ताहिर जबरदस्ती नहीं, प्यार और मोहब्बत से थोड़ा काम लो। ये मेहनत समाजत मेरी से नहीं होती। फिर ये ख्वाबे आप छोड़ दो। कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरे जिंदगी का मकसद है। फिर आपको आशिकी का सबक पढ़ना होगा। ठीक है, आज से मैं इश्क मदरसे में दाखिल हो गया। तुम बैठ जाओ ना सलमान। शुक्रिया मैडम, थोड़ा जल्दी है। सलाम अलैकुम सलमान बेटा। वालेकुम सलाम सेठ साहब। बोलो सलमान, क्या बात है? शेर साहब, जानवरों को चारा और डॉक्टर की जरूरत थी। इसमें आने की क्या जरूरत थी, फोन क्यों नहीं करते? तुम्हें क्या तकलीफ है? सलमान तो मेरे बच्चों जैसा है। मरियम बेटी, सलमान को पैसे दो और इजाफी पैसे दो ताकि घर बैठे। मरियम, सलमान मेरा नौकर नहीं है, वो मेरा बेटा जैसा है। बेटा बाबा, डॉक्टर बहुत पैसे लेता है। बेटा पैसे मेरे पास है तो क्यों परेशान है? बाबा इस पैसों में गाड़ी खरीदूंगा और शादी करूंगा।
बेटा अल्लाह सब बेहतर करेगा। तो फिर अल्लाह जमीन ठीक करेगा। बेशक वही अल्लाह शफा देने वाला है। तुम्हारे हक में ये बेहतर है कि ये मुल्क छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा। मैं अपने बारे में खूब जानता हूँ कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूँ। अगर इजाजत हो तो इस जैसा शर्कस आदमी का मुंह बंद करना मुझे आता है। बेवकूफ, जो कुत्ता भौंकता वो काटता नहीं। तुम लोगों का खैर इसमें है कि वापस चले जाओ इधर से। तुम क्या हमें धमकी देते हो? ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी जिंदगी से सख्त नाराज हो। लालची लोगों, खतरों से खेलना तो हमारी खून में शामिल है। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरा जिंदगी याद रखोगे। चिल्लाओ मत, अगर मेरे शेख और उसके कारोबार को कोई नुकसान पहुंचा तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तो तुम्हारे लिए सिर्फ इशारा था, आइंदा दिखाऊंगा तुझे। ठीक कहा तुमने, शायद अपने टांगों पे वापस नहीं जाओगे। मैया, देखो मरियम, हम एक ही फैमिली के लोग हैं, हम एक दूसरे को खुशी दे सकते हैं। क्या मेरे पापा घर पे नहीं हैं, तुम क्या सकते हो? पापा नहीं ये घर पे, इसके लिए तुम्हें समझा रहा हूँ। मैंने कहा ना तुम जा सकते हो जहाँ। जब तक मेरा सवाल का जवाब हाँ मैं नहीं दूंगे, मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारा पापा को मार डालेगा। जलील आदमी, मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगी। अगर आज के बाद उस अजनबी के साथ मिलने का कुछ की है तो तुम्हारा जिंदगी का आखिरी दिन। सलमान बैठे, 3 साल गुजर गए, अभी तो घर आ जाओ ना। मिल जाएगी, आ जाऊंगा। गाड़ी और घड़ी जरूर लाना। तुम चुप हो जाओ बड़ा, हर वक्त घड़ी और गाड़ी, कोई दूसरी बात भी है या नहीं? खान लाला बड़ा नादान है, उसे खफा मत करना। ठीक है सलमान, और बाकी बात ये है कि बाबा ने तुम्हारे लिए शादी का प्रोग्राम बनाया है। खान लाला बारी तो आपकी है बेटा, जब आओगे फिर देखा जाएगा। लाला शादी करूंगा, क्योंकि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवानी हूँ, अभी तो मैं। परेशान नहीं हो, खाली आप इशारा करो। आप परेशान नहीं हो, मेरे पास हर परेशानी का इलाज है। परेशानी नहीं, क्यामत है, क्यामत, क्योंकि वो मकार और चालाक अजनबी हमारी इज्जत से खेल रहा है। हम ये क्यामत इस अजनबी के सर पे लाएंगे। आप आराम से सिर्फ तमाशा देखो मेरे। और हमने बहुत बड़ी गलती की कि उस दिन हमने अजनबी और अंकल के बीच को दम की थी। तो क्या हुआ? अब जो भी होगा कानून से बचना हम लोगों के लिए मुश्किल होगा। बेटा छुट्टी तो हर वक्त आपको मिल सकता है। शुक्रिया शेर साहब, लेकिन मेरा वालिद मेरी शादी के चक्कर में लगा हुआ है। अपने वालिद साहब को बोलो कि आपकी शादी का फिक्र न करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। शेर साहब, मैं तो आपकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करूंगा। अगर आज के बाद क्या हुआ? मैं बता दूंगा शेर साहब। क्या मरियम ताहिर ने आपको भी धमकी दी है? सलमान, शेर साहब ताहिर मेरे पास भी आए थे और मुझे धमकी दी, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, जब तक सलमान जिंदा है कोई माँ माँ का बच्चा आपको ऊंची नजरों से नहीं देख सकता।
अस्सलामु अलैकुम सलमान संगे, खैर ठीक ठाक खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम खान लाला, मैं ठीक हूँ, मगर एक बात करनी है। मैं पैसे भेज दूंगा, आप फिलहाल अपनी शादी का प्रोग्राम बना ले, मैं नहीं आ सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि इधर ऐसा कोई काबिल एतबार बंदा नहीं है जिसको मैं अपनी ड्यूटी पर लगा लूँ। बाबा को समझाओ ताकि वो नाराज ना हो जाए। ठीक है सलमान, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। शादी शादी शादी, बड़ा दादे को ऐसी शादी करूंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। दो 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 दो, दो नहीं, पूरी चार शादियां करूंगा तुम्हारे लिए। लकद बहरैन द बदर मुनीर पशान। सलमान तुम्हें क्या पता मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे हक में ये बेहतर है कि ये मुल्क छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा। मैं अपने बारे में खूब जानता हूँ कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। ये मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूँ। अगर इजाजत हो तो इस जैसा शर्कस आदमी का मुंह बंद करना मुझे आता है। बेवकूफ, जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं। तुम लोग का खैर इसमें है कि वापस चले जाओ इधर से। सलमान जी। मैडम जी, मैडम नहीं, मरियम बोला करो मेरी जान। मैडम मैं तो एक गरीब। आप गरीब नहीं, आप मेरे दिल के बादशाह हो। मरियम आपके पापा ने हमेशा मेरे ऊपर इत्मीनान किया है। वो मेरे पापा मेरे इस फैसले पे बहुत खुश होगा। मरियम अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे ऊपर अपना जान कुर्बान करूँगा। मोहब्बत और इतिमाद के दो अजीम रिश्तों को मैं कभी कमजोर और बेनकाब नहीं करूंगा मरियम। जिस तरह मैंने तुमको अपना बेटा बोला है, इसी तरह मैं अपने बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। शेख साहब, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, आपकी अकलौती और लाडली बेटी को जिंदगी की खुशियाँ कैसा दे सकता हूँ? अब तुम गरीब नहीं हो, मेरे सारे कारोबार का अकेला वारिस हो। ये दुनिया किसी की नहीं शेख साहब, हर कोई इधर से खाली हाथ चला जाए। दुनिया तो वाकई अधूरी है, लेकिन अल्लाह जो कुछ देता है ना, उसे नेमत समझ कर कबूल करना चाहिए। मेरी जिंदगी में मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। जो होना था वो तो हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं इस अजनबी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आप जज्बाती काम मत करना वरना सारा जिंदगी जेलों में सड़ते रहोगे। एक मामूली अजनबी शख्स के लिए मैं अपना असूल नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। वाकई मरियम, वो होता है जो मंजूर खुदा होता है, वरना मेरे बाप ने भी रिश्ते के बात की थी। बड़ी लालची दुनिया है सलमान, जो किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मरियम, जो दूसरों की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो खुद भी बेसकून रहते हैं। लेकिन सलमान, हमेशा मैंने आपको अपने दिल में पाया था। मगर अब दिल में क्या इस दुनिया में भी नहीं पाओगे। वो दिन गुजर गए जब तुम्हारे जैसे बदतमीज के साथ हम तमीज से बात करते थे। आज अपनी खानदान की इज्जत की एक एक मिनट का हिसाब लूंगा तुमसे। कौन सी इज्जत की बात करते हो ताहिर, तुम तो खुद अपने खानदान के ऊपर एक बदनुमा दाग हो। साइड पर हो जाओ मरियम। Ah! Ah! Ah!
अधूरी है, ये दुनिया किसी की नहीं है। शुक्र है कि तुम मेरे हो, इश्क अधूरा दुनिया अधूरी, ख्वाहिश मेरी कर दो ना पूरी, तो यही चाहे तेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल। सो गए हो सलमान बेटा, तुम्हें क्या हो गया? आंखें खोलो, उठ जाओ। ये दुनिया, ये दुनिया देखो कहाँ है, ये सारे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये सारे।